आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है अद्भुत तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। मैं हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हमें कैसे देखता है? परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम जीवन जिए? बहुत जरूरी है कि हम उसके उद्देश्य को समझें। उसने हमें जन्म दिया है, हमारे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, उसकी इच्छा से हम इस धरती पर आए। तो हमें उसके उद्देश्य को समझना है कि वो क्या चाहता है और वो कैसे जीवन जीना चाहे, हम कैसे जीवन जिए। आज के वचन में मैं सच कह रहा हूं, अगर ध्यान से आपने इस वचन को समझा और सुना, आज आप परमेश्वर के और करीब आएंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और आप में वो बोझ पैदा होगा कि आप परमेश्वर के अनुसार चले। जल्दी से हम निकालते हैं मत्ती 14:15-19 के बीच में, Matthew 14:15-19। जल्दी से हम इस वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में है उसको हम देखेंगे। हालेलुया। जब संध्या हुई तो चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये स्थान सुनसान है और दिन ढल चुका है, इसलिए भीड़ को विदा कर के लोग गांव में जाकर अपने लिए भोजन ले लें। पर यीशु ने उससे कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। तब लोगों को घास पर बिठा बिठा कर उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तेरे नियम अच्छे हैं परमेश्वर, तेरी योजना, तेरा तरीका परमेश्वर अद्भुत है परमेश्वर। तू जैसे जीवन चाहता है वैसे हम जीवन जिए परमेश्वर, हम तुझको समझ सकें परमेश्वर, यस लॉर्ड, और तेरे बन कर रह सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मैंने। कि दृष्टांत आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि 5,000 लोगों को रोटी खिलाई परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से। बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर जब भीड़ की भीड़ आई यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह उसको चंगाई दे रहे थे, और यीशु के मन में तरस आया, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तरस खाता है, वो आप पर तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी भावनाओं को इग्नोर नहीं करता है, वो आपकी भूख को इग्नोर नहीं करता है, वो आपके मुसीबत को इग्नोर नहीं करता, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, आपकी कमजोरियों पर वो तरस खाता है, आपकी निर्बलता पर वो तरस खाता है, आपके अभावों में वो आपको तरस खाता है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि यही भाव हमारे अंदर आए, यही यीशु का भाव हमारे अंदर आए, कि हमारे अंदर भी एक तरस की भावना पैदा हो, किसी भाई, किसी बहन के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए भी कठोरता नहीं आए, तरस आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी के योग्य बने, हम किसी को आशीष देने के योग्य बने, तरस की भावना आनी चाहिए। तो यहां पर जब फिलिप्पुस ने बताया उसको कि साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखिए वो क्या बता रहा है कि ये स्थान सुनसान है और दिन ढल चुका है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि लोग गांव में जाकर अपने लिए भोजन लें। यहां पर चेला क्या बता रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो बता रहा है कि हम निर्बल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास ताकत नहीं है कि हम इतने लोगों को खिला सकें। यीशु को बता रहा है वो कि हम निर्बल हैं,
हम अज्ञानी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां वो एक बात कहना भूल गया कि मेरी दृष्टि तुझ पर लगी है। हालेलुया। हम अपनी कई आशीषों को नहीं पा पाते क्योंकि हम अपनी प्रार्थनाओं में ये तो बताते हैं कि परमेश्वर मैं निर्बल हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मैं बुद्धिहीन हूं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि मेरी निगाह तुझ पर लगी है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी निगाह तुझ पर लगी हुई है, परमेश्वर का सामर्थ आप पर नहीं उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप में से कई भाई बहन हैं रोज प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं को पूरा नहीं, आप प्रार्थनाओं को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि विश्वास कहां है? जब आप कहेंगे कि मेरी निगाहें तुझ पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। यह है विश्वास। यहां पर जो फिलिपुस है उसने कहा कि सुनसान जगह है प्रभु, हम निर्बल हैं, यहां पर नहीं हम दे सकते, हमारे पास ना पैसा है ना ताकत है, हम नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम उनको दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए क्या कहता है, यीशु ने उनसे कहा उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उन्हें खाने को दो। यहां दो बातें हैं, एक तो यीशु मसीह ने डिसीजन ले लिया कि उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यीशु मसीह के पास कोई योजना है, आमेन, कि उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उन्हें कुछ खाने दो। हालेलुया। अब यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि चेले कितना जानते हैं मुझे। बाइबल के हर दृष्टांत में, हर चमत्कार में प्रभु अपने चेलों को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। यूं ही चमत्कार नहीं कर दिए उसने। जब एक लकवे का मरीज पतरस के घर में आता है और ऊपर से खड़पैल में से निकालकर अपनी खाट के साथ वो नीचे आ जाता है, उसके दोस्त फेंक देते हैं कि साहब इसको चंगा होना है, ये लकवे का मरीज है, और वहां पर यीशु मसीह बताते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वो वचन हमें क्या सिखाता है कि आपके अंदर बीमारी कौन लाता है? पाप। अगर आप पाप में हैं, अगर आपके अंदर विचार पाप है, अगर आपके अंदर पाप की दृष्टि है, अगर आपके अंदर पाप है तो आप बीमार होंगे। आपके अंदर बीमारी पाप लेकर आता है, ये वचन हमें बताता है। तो हर वचन में परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। यहां पर ये कहता है कि इन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही इनको दो। हालेलुया। उसने कहा कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उसने कहा हमारे पास यहां केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तब लोगों को घास पर बैठाकर उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहां 2 काम किए, आशीष मांगी, इस रोटियों पर आशीष मांगी, और उसके बाद क्या किया? तोड़ी रोटियों को, तोड़ा। हालेलुया। यही कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ आशीष नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है आशीष देने के लिए। परमेश्वर आपको दलदल से निकाल कर लेके आता है, चट्टान पे खड़ा करता है, आपको ब्लेस करता है। लेकिन फिर अगर आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो वो चाहता है कि आप टूटे, वो आपको तोड़ना चाहता है। अगर आप बिना टूटे आशीष पाना चाहते हैं, आपके जीवन में आशीष काम नहीं करेगी। परमेश्वर आपको तोड़ना चाहता है। यहां पर उसने रोटियां तोड़ी। हालेलुया। दाखरस के समय जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, अपने चेलों का संग बैठकर उसने कहा, उसने रोटी तोड़कर लोगों अपने चेलों को दी कि ये मेरी देह है। प्रेज द लॉर्ड। टूटना जरूरी है। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था, स्वप्न दिखाया था कि तेरे सामने चांद और सितारे नमन करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन वो स्वप्न वो आशीष उसके जीवन में कब तक नहीं आई, जब तक वो टूटा नहीं, उसको गड्ढे में गिराया गया। हालेलुया। वो जेल में रहा, 12 साल तक जेल में रहा, वो टूटा, उसके बाद वो आशीष पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, नियम कहता है, हमारा टूटना जरूरी है, अगर हम नहीं टूटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12 का 24 पढ़िए, यूहन्ना 12 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन। गेहूं के दाने को आप अपने पास रखिए, कटोरी में रखिए, गिलास में रखिए, सालों साल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन गेहूं के दाने को आप मिट्टी में रखेंगे तो वो क्या होता है आपको पता है? गेहूं का जो ऊपरी हिस्सा है उसका बीज कहां पर है? अंदर है, गेहूं के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन कहां है? गेहूं में, गेहूं के दाने में, अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, एक किसान उस गेहूं के दाने को बोता है, जमीन में गाड़ता है, और जमीन में गाड़कर जब वो अपनी ऊपरी सतह निकालता है, अपना ऊपरा शरीर जो है वो गेहूं निकालता है, गेहूं का दाना निकालता है, और अंदर का जीवन जब उसके सामने आता है तो वो जीवन फल लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन जो है वो फल लेकर आता है, गेहूं का दाना लेकर नहीं आता। गेहूं के दाने का ऊपरी जो पखंड है वो ही है उसको रोकता है, जीवन उसके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि अपना इनकार करो। जीवन आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर जीवन दे चुका है। आप फलवंत क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपका ऊपरी मनुष्यत्व आपको आड़े आ रहा है। आपका जो ऊपरी मनुष्यत्व है वो आपके जीवन को निकलने नहीं दे रहा है। हालेलुया। आपका ऊपरी मनुष्यत्व, व्यभिचार, घमंड, स्वार्थ, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीजें आपकी ऊपरी हैं। जब तक ये रहेंगी तब तक आपका जो अंदर का जीवन है वो काम नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रदर से, परमेश्वर ने जानवर को और आदम को एक ही दिन में बनाया था, छठे दिन में। अगर छठा दिन हम देखेंगे, जेनेसिस 1:24-25-26, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेली पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेली पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन, आमीन, आमीन। 24वां वचन जो कि छठे दिन की बात हो रही है, छठे दिन परमेश्वर ने जानवरों को बनाया। हालेलुया। जीव जंतुओं को बनाया 24 और 25वें में वचन में। हालेलुया। और 26वें वचन में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं अपनी समानता अपने स्वरूप में। जानवरों को जब बनाया उनके पास भी आंखें थी, उनके भी पास भी हाथ थे, जानवरों के पास भी पैर थे। हालेलुया। हमारे भी आंखें हैं, हमारे भी हाथ हैं, हमारे भी पैर हैं। हालेलुया। जानवर और हम में फर्क क्या है? उसने अपनी आत्मा हमें दी, जानवरों को नहीं दी। जानवरों के पास आत्मा नहीं है, उसके पास प्राण और शरीर है। हमारे पास प्राण, शरीर और आत्मा है।
प्रेज द लॉर्ड, आदमी के पास आत्मा है, इसलिए वही आत्मा उसे जानवर से अलग करता है। ध्यान से समझिए इस चीज को। आदम के पास परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा मानो। उसने ये नहीं कहा कि तुम संत बन जाओ, कि दिन भर मेरी प्रार्थना करते रहना, दिन भर मुझे स्तुति करते रहना, आराधना करते रहना। आपको पता है परमेश्वर इस चीज से इंप्रेस नहीं होता कि आप दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसकी स्तुति करने वाले लाखों स्वर्गदूत हैं, रोज उसके सामने झुकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने स्वर्गदूतों से ऊपर आदमियों को बनाया। हालेलुया। क्यों बनाया आदमी को? ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरा कुरिन्थियन 5:20, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। हम कौन है? एम्बेसडर। यानी कि एक राष्ट्र का, यानी कि हिंदुस्तान का एम्बेसडर अगर पाकिस्तान में है तो वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमेरिका का एम्बेसडर अगर हिंदुस्तान में है तो वो हिंदुस्तान में अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग अगर इस देश में हैं तो हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है। ध्यान से समझिए इस वचन को। हालेलुया। अगर आपके अंदर आत्मा नहीं तो आप कौन है? जानवर। जानवर और आप में क्या फर्क है? आत्मा का। इसीलिए यीशु मसीह ने आपको आत्मा दी। इसलिए जैसे ही यीशु मसीह आता है आपकी आत्मा जिंदा हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी आत्मा को जिंदा करता है ताकि हम उस जिंदा आत्मा के द्वारा परमेश्वर की समानता में आ जाएं। हेलो, ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने हमें इसलिए अपनी आत्मा दी है ताकि हम उसकी समानता में रहे। इसलिए जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, नई सृष्टि में आते हैं, तो एक जो एक मसीह है वो बहुत कंफ्यूजन में होता है। उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो वो शरीर की देह, वो जो मिट्टी, शरीर की मिट्टी जो उसे नीचे खींचती है, और एक नई आत्मा जो उसे ऊपर खींचती है। और वो दोनों में असमंजस, बैलेंस नहीं कर पाता है। शरीर की अभिलाषाओं को भूल नहीं सकता। वो शरीर के अनुसार जीने की कोशिश करता है और आत्मा के अनुसार भी जीने की कोशिश करता है। और यही एक मसीह का सबसे बड़ा भूल होती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शरीर के अनुसार जीने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपने कई ऐसे मनुष्य देखे होंगे जो जानवरों से भी बदतर काम करते हैं। कई ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, कई ऐसे गलत धारणाएं हैं, कई ऐसी विधियां हैं कि आदमी आदमी के संग रिलेशन रखता है, औरत औरत के संग रिलेशन रखता है। ये एक आत्मिक काम नहीं है, ये जानवर का काम है। किसी को धोखा देना, किसी को मारना। प्रेज द लॉर्ड। आदम को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी थी लेकिन उस फल को खाने के बाद आत्मा मर गई। प्रेज द लॉर्ड। तो आदम ने किसको पैदा किया? कैन को। कैन के अंदर वो स्पिरिट थी, जानवर की स्पिरिट। उसने अपने भाई को मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको आदम बनाती है। परमेश्वर की आत्मा ही आपको जीवन देती है। अगर आप उस आत्मा में नहीं जी रहे हैं, समझिए, तो आप जानवर के समान हैं। आप जानवर के समान हैं। आपकी सोच में स्वार्थ है, आपकी सोच में लालच है, आपकी सोच में व्यभिचार है। आप एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, खोने छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हमारे बोलने से सिर्फ हम इंसान नहीं है, हमारे देखने से, देखते तो वो भी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आत्मा क्यों बनाई? ताकि हम
परमेश्वर में आ जाए। इसलिए 26वां क्या लिखा हुआ है, 1:26, और परमेश्वर ने देखा, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करें। यानी कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया और अधिकार दिया कि पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, जितना भी है, हम उस पर प्रभुता रखें। लेकिन वचन को समझिए आप, वचन क्या कहता है कि जब आप उसकी समानता में होंगे तभी आप उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हेलो, अगर आप उसकी समानता में नहीं हैं, अगर आप आत्मा में नहीं जी रहे हैं, अगर आप आत्मिक नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप आत्मिक नहीं हैं, तो शैतान आप पर अधिकार रखेगा। हालेलुया, शैतान आपको। इसलिए हमें आत्मा में जीना, यही तो यीशु मसीह कहने आया था, यही तो फर्क है। हालेलुया, इसीलिए यीशु मसीह तोड़ता है आपको आशीष। आप किसी के लिए आशीष बने उसके लिए आपको टूटना जरूरी है। यूसुफ को परमेश्वर ने तोड़ा। हालेलुया, यीशु की आत्मा जिंदा थी, वो टूटा, उसके भाइयों की आत्मा जिंदा नहीं थी। यूसुफ के भाई कैसा काम कर रहे थे, जानवरों जैसा, अपने भाई को ही मार दिया, अपने भाई को गड्ढे में मार दिया। ये कोई इंसान काम कर सकता है? आमीन। आज क्या कर रहा है इंसान, अपने भाई को ही मार रहा है, पैसे के लिए, जायदाद के लिए अपने भाई का खून कर रहा है। ये काम किसका, आदमी का है, जानवर का है? क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है। आज परमेश्वर ने हमारी आत्मा जिंदा की है ताकि हम उस आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, उस आत्मा को हम प्रधान रखें। हम हैं आत्मा, हम आत्मा ही हैं। पहला तसलोनिको 5:23 पढ़िए, 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। यानी कि हम कौन है, आत्मा है। बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, एक शरीर में रहता हूं, मेरे पास प्राण है। तो हम कौन है, आत्मा। आप शरीर नहीं है, लेकिन आप शरीर के लिए जी रहे हैं, आप शरीर को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए आपकी जो आत्मा है वो पीछे है। इसलिए आप जब शरीर और प्राण के अनुसार आप जिएंगे तो शैतान का काम करेंगे, शैतान आपके जीवन में काम करेगा, जानवरों की प्रवृत्ति आपके जीवन में आएगी, जानवरों का स्वभाव आप में आएगा। इसलिए आत्मा के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु जब हमें चुनता है, यूहन्ना 15:16 पढ़िए, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको चुना है और चुनकर अपॉइंट किया ताकि आप फल लाए, आत्मा का फल आप में बना रहेगा जब आप फल लाएंगे। देखिए, आत्मा में ही जीवन है, आपके शरीर में जीवन नहीं है। इसलिए जब आप मर जाते हैं आपका शरीर निढल हो जाता है और लोग आपके शरीर का इनाम नहीं लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन किस में है, आत्मा में, शरीर में नहीं। इसलिए यीशु ने हमारी आत्मा को जिंदा किया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी आत्मा जिंदा होती है। एजिकल 36 25-27 के बीच में देखिए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जब आप
शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, जब बपतिस्मा में जाते हैं तो आपकी आत्मा जिंदा होती है, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और दूसरा आगे बढ़िए, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। मन की, मन का परिवर्तन, क्योंकि यिर्मयाह 17:9 क्या लिखा है कि आपका मन धोखेबाज है, उसको असाध्य रोग लगा हुआ है। पढ़िए बेटा 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इसलिए उसने नया मन दिया आपको। आपको पता है आपके अंदर दो मन है, एक यीशु का मन और एक आपके शरीर का मन। आपको अपने शरीर के मन को यीशु के मन के मुताबिक बनाना है। जब आप यीशु के मन के मुताबिक अपने शरीर के मन को चलाएंगे तो आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मा की बातों को समझना है। कुलुसियो 3:2-3 पढ़िए। कुलुसियन 3, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा, इसलिए पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की बातों पर अपना ध्यान लगाओ। आप मर गए हैं, इस समय आप लोग मरे हुए हैं। बोलिए हम मरे हुए हैं। मैं मरा हुआ हूं। कभी अपने लिए सोचा ऐसा? तभी आप आत्मा में जिंदगी पाएंगे, क्योंकि आपको तो रोज अपने आप को देखने में मजा आता है। 10 बार आईने के सामने आते हैं, आप कैसा लग रहा है, तो अपने आप को तो जीवन रखते हैं। आपको जीवन चाहिए। मरे हुए कैसे हैं आप? वो कहता है तुम मरे हुए हो। एक मरा हुआ इंसान के अपनी खूबसूरती पर रिझाएगा नहीं, लेकिन आप जिंदा है। वो कहता तुम मरे हुए हो, इसलिए अपना ध्यान पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की चीजों पर लगाओ। हालेलुया। स्वर्ग की चीजों पर लगाओ, तभी तुम आशीष पाओगे। फिलिप्पियों 4:8 लगाइए, 8 बोलिए। स्वर्ग की चीजें क्या हैं? अपना ध्यान आप किस में लगाइए? फिलिप्पियों की पत्री पढ़िए जरा। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है। हाँ, अब देखिए ये जो बातें हैं ये स्वर्गीय हैं, ये आपको धरती पर रहकर आपको ऐसे जीवन जीना है। पढ़िए बेटे शुरू से। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाइए जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो मन भावनी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति हमको दिखाती हैं, जो बातें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाती हैं, उन बातों में हमें अपना ध्यान लगाना है। तब हम उन स्वर्गीय बातों को देख पाएंगे, तब हम उन स्वर्गीय बातों के अनुसार चल पाएंगे, तब हमारी आत्मा और बलवंत होगी। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है। देखिए इफिसियों 3:16-18 पढ़िए। पौलुस की प्रार्थना समझिए आप, आत्मा की बलवंता के लिए उसकी प्रार्थना है। इफिसियों 3:15 पढ़ लो। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामत पाकर बलवंत होते जाओ। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें ये दान दे, दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आत्मा का सामर्थ, आत्मा में बलवंत होना है हमें। हम शरीर के लिए जिम जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शरीर को मजबूत करते हैं। आत्मा का बलवंत होना जरूरी है। ध्यान दीजिए उसको, आगे आगे पढ़िए। मनुष्य तुम्हें सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह
तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई कितनी है। आमेन। जब आप आत्मा का बल प्राप्त करेंगे, जब आप आत्मा की बुद्धि प्राप्त करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है। हम आजकल उल्टी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने बॉस को समझ सकें कि बॉस हमारी मुट्ठी में कैसे रहेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है बॉस की, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जहां से हमको काम मिल रहा है, जो हमें पैसा दे रहा है, जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमारी आत्मा को जिंदा कर रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, वी हैव टू नो, वी मस्ट नो। और उसके लिए पौलुस कहता है हमें प्रार्थना करनी है, आत्मा में रह चलना है। इसलिए पहला योहन्ना 2:16 पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमेन। पिता की ओर से नहीं है। हम अपने शरीर के लिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और बुद्धि का घमंड कि मैंने पा लिया, मैंने बिजनेस खड़ा किया, मैं सर्विस करता हूं, मैंने मेहनत की और मुझे उन्नति मिली, मैं यहां तक आया, नहीं नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार आपको सिखाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है संसार में मत जाओ, संसार तुम्हें निर्बल बना देगा, संसार तुम्हें दास बना देगा। हालेलुया। हमें संसार को प्रसन्न करने के लिए जीवन नहीं जीना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना है। इसलिए आत्मा का बल हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है यीशु मसीह 14 में कि जाओ उनको बुलाओ, उनको बुलाओ और तुम ही खाना दो। चेले कहते हैं हम जब बता चुके हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, यह सुनसान जगह है, या ना हमारे पास रोटी है, ना कोई पैसा है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ही दो, क्योंकि यीशु मसीह उसे तोड़ना चाह रहे थे। हालेलुया। जब तक आप टूटेंगे नहीं ना, तब तक आप परमेश्वर के सामर्थ को समझ नहीं पाएंगे। हमारे लिए टूटना जरूरी है, झुकना जरूरी है, दीनता जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और उनको बताया कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है, तोड़ो अपने आप को। जब तक तुम अपने आप को तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम जोड़ोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। कितने लोगों ने खाना खाया? तकरीबन 12,000 लोगों ने। 5,000 आदमी, 5,000 औरतें, 2,000 बच्चे, कहते हैं 10,000 भी हो सकते। कैसे? तब तोड़ा उन्होंने। हमें ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन तोड़ना है अपने आप को। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमेन। प्रतिदिन अपना इनकार करना है, तोड़ना है। प्रतिदिन अपने आप को तोड़िए, प्रतिदिन अपने अंदर से मैं को निकालिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन अपने आप को तोड़िए आप, तब आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। चेलों को यही सिखा रहा था यीशु मसीह, तोड़ो अपने आप को। जब तुम तोड़ोगे तो तुम परमेश्वर के सामर्थ को जान पाओगे। इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुझे चंगाई नहीं दूंगा मैं। उसे 3 बार कहा मुझे चंगा कर,
हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने कि नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पॉट तोड़ना चाहता था। मरियम मगदलीनी ने इत्र की बोतल से सिर्फ लगाया नहीं यीशु मसीह को, इत्र नहीं लगाया, उसने बोतल तोड़ी। आमेन। जब तक उसने बोतल नहीं तोड़ी, सुगंध पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं फैला। अगर वो सिर्फ बोतल लगाती तो सुगंध सिर्फ यीशु मसीह को मिलता, उसने बोतल तोड़ी। हमें अगर उस सुगंध को फैलाना है तो हमें अपने जीवन को तोड़ना पड़ेगा। गेहूं जब तक मरता नहीं है तब तक फल नहीं लाता है। अगर आप चाहते हैं दूसरों के जीवन में फल लाएं तो आपको मरना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा खुद को। प्रेज द लॉर्ड। काना की शादी में यीशु मसीह गए। यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे ना, परमेश्वर के पुत्र थे, सब जानते थे कि दाखरस खत्म होने वाला है। खत्म होने तक क्यों वेट किया उन्होंने? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीरो से हीरो बनाना चाहता है। जब तक आप ये नहीं महसूस करते, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं जीरो हूं, जब तक आप ये नहीं टूटेंगे कि मैं जीरो हूं, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आप उन्नत नहीं कर पाएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। आपका मैं आपको पीछे करता है कि मेरे पास ये है, मैंने किया है। इसलिए वो चेलों को बोल रहे थे कि तुम ही दो खाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चेले भूल गए थे उनके पास यीशु है। चेलों ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ना, ये सुनसान जगह है, यीशु ये सुनसान जगह है, यहां पर हम नहीं ला सकते, लेकिन तू हमारे पास है। आमेन। लेकिन तू हमारे पास है। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? वो चेले थे, ये सुनसान जगह है, हमारे पैसा नहीं है, हम निर्बल हैं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन तू हमारे साथ है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम ही दो। राजा हिजकिय्याह के बारे में आपको पता है? दूसरा इतिहास 20:12 निकालिए। दूसरा इतिहास। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? दूसरा इतिहास 12 निकालिए, 12। वहां पर एक मोआब की जो सेना थी वो हिजकिय्याह के अगेंस्ट थी। अब देखिए ये प्रार्थना, देखिए हिजकिय्याह की ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। आमेन। अब देखिए क्या कह रहा है वो, हम कुछ नहीं, हम शक्तिहीन हैं। ये जो बड़ी भीड़ है इसके सामने हम शक्तिहीन हैं। देखिए उसकी प्रार्थना देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है हमारे परमेश्वर, क्या तू उनको दंड ना देगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल हैं। जब आप परमेश्वर के सामने कहते हैं मैं निर्बल हूं और हमें कुछ सूझता नहीं है, मैं बुद्धि नहीं है मेरे अंदर, वो क्या कहता है राजा हिजकिय्याह कि जो सामने मोआब देश आ रहा है, ये जो दुश्मन है मेरे सामने, मैं इनकी, मेरी शक्ति नहीं है, मैं निर्बल हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। वो क्या कहता है? कुछ सूझता नहीं है, बुद्धि नहीं है कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। आमेन। यस। मेरे पास ना शक्ति है ना बुद्धि है, लेकिन मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। यहां फिलिप्पी ने जब 5,000 लोग बैठे हुए थे, उसने ये तो कहा कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन उससे ये नहीं कहा कि मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं, जबकि यीशु सामने था। इसलिए यीशु ने कहा आंखें लगाओ, क्योंकि वही देने वाला है। उस चमत्कार में यीशु ने परमेश्वर से उनको मिलवाया।
मिलो तुम्हारा परमेश्वर, चाहे सुनसान हो चाहे जंगल हो चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा हर जगह तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन कब? जब आप कहेंगे कि मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं, मैं आंखें अपनी तुझ पर लगाता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक निर्बल हूँ। और 17वां वचन क्या कहता, देखिए इसी का 17वां वचन, यहां तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और यरूशलम ठहरे रहना कि खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना छुटकारा देखना। यानी कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि ना मेरे पास शक्ति है, ना मेरे पास बुद्धि है, मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। तोड़िए अपने आप को, तोड़िए कि आई एम नथिंग, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। तोड़िए अपने आप को, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। बाइबल बड़ी विचित्र है, बाइबल को समझना बड़ा ही मुश्किल है। आप संसार के हिसाब से बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। आप बाइबल क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप संसार में ज्यादा हैं। आपके लिए संसार के नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइबल नहीं कहती। बाइबल क्या कहती है? परीक्षाओं में आनंद की बात समझो। कोई कहेगा ऐसा आपको? याकूब की पत्री 1:2-3 निकालिए, याकूब की पत्री 1:2-3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Amen. यह है बाइबल। जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, ये कहता है मेरा यीशु। Amen. आपको परीक्षा में डालकर आप दुखी हैं, परमेश्वर आपके परिवर्तन को देख रहा है कि आप में क्या परिवर्तन आ रहा है। उस परीक्षा में आप कैसे देखते हैं प्रभु को, उस सताव में आप प्रभु को कैसे देखते हैं, आपका विश्वास कहाँ है, आपका रास्ता कैसे जा रहा है उस परीक्षा में। हालेलुया। जब वो आपको सत्यानाश के गड्ढे में से, दलदल की कीचड़ में से निकाल सकता है, तो क्या परीक्षा से नहीं निकाल सकता? लेकिन वो आपको बनाना, वो चाहता है कि आप उसकी आत्मा के अनुसार काम करें। क्योंकि आपके अंदर जो जानवर की पद्धति आ गई है, जो जानवर की रीति, जो जानवर के विचार आ गए हैं, जो जानवर का स्वभाव आ रहा है आपके अंदर, उसको निकालना चाहता है। इसलिए आपके अंदर धीरज आए, आपके अंदर से जानवर का स्वभाव निकले। जानवर सब्र नहीं करता, इमीडिएट छपट्टा मारता, इमीडिएट। और यही प्रवृत्ति आज इंसान में है, वो कुछ भी अच्छा देखकर पाना चाहता है, चोरी करे, ये करे, डकैता डाले, धोखा दे, बस मुझे मिल जाए। जानवर की प्रवृत्ति है ये, इंसान की प्रवृत्ति नहीं है। बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमें अगर कुछ भी पसंद है, हमें चाहिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। 12 में, अगर मत्ती 12 हम पढ़ेंगे, 12:50, यहां पर उसके माता, उसके माई माँ, उसकी माता और उसके भाई उससे मिलने के लिए आते हैं, और उसके चेले कहते हैं कि भी तेरी माँ और तेरे भाई तुझे मिलने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो देखिए क्या कहता है कि कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी माँ। 12:50 पढ़िए। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ माता है। मेरी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन है और मेरी माता है। हालेलुया। आजकल लोग समझते हैं चर्च में आना परमेश्वर की इच्छा है, बाइबल पढ़ना परमेश्वर की इच्छा है, गिनी चुनी आज्ञाओं को मानना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानना जरूरी है। जो धरती पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जो धरती पर यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका भाई उसकी माँ है। हर कोई नहीं जो चर्च आता वो उसका भाई बहन है, नहीं। जो धरती पर
उसकी इच्छाओं को पूरा करता है जो धरती पर यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। क्या है उसकी इच्छा पता है आपको? मत्ती 28:19, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह है उसकी इच्छा, जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। सुसमाचार मत सुनाओ, आप गए कोई मिल गया आपको, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देखता है, आपका जीवन बदल जाएगा, सर आइए हमारे चर्च में, परमेश्वर आपको आशीष देगा, जिम्मेदारी पूरी की, आगे चले गए और आपने कॉलर बड़ा किया, अरे देखा आज मैंने सुसमाचार सुनाया। क्या कह रहा है वो? उसकी इच्छा क्या है कि विभिन्न जाति के लोगों को चेले बनाओ, जो प्रभु में आ गया है उसको चेले बनाओ, फिर बपतिस्मा दो। ऐसे ही नहीं हो बपतिस्मा दो, बपतिस्मा कब दो? जब चेले बन जाएं। ऐसे नहीं किसी खड़ा का बपतिस्मा का मतलब क्या है लिखा हुआ 19 में, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल है। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ चर्च में आकर हालेलुया जोर से बोलते हैं और हम कहते हैं हम उसके पुत्र हैं पुत्री हैं। गलत। आप उसके पुत्र पुत्री तब हैं जो स्वर्ग की उसकी इच्छा है आप पूरी करते हैं धरती पर, तब आप उसके पुत्र और पुत्री हैं। और जिस दिन आप उसके पुत्र पुत्री बन गए ना मेरे भाई, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। उसके सरदूत आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे, वो खुद बनेगा। उसके हो जाइए, बस अपने आप को तोड़िए, किसी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए अपने आप को तोड़िए, परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन कितनों को समझ में आया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझिए, ये मैं दो दिन के बाद रिलीज करूंगा, यूट्यूब में देखिए और बार बार देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और एक चीज याद रखिए, हमें आत्मा में जीना है। अगर हम शरीर में जीते हैं तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, ये याद रखिए। अगर आप सिर्फ शरीर में जी रहे हैं, यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस पर बलिदान देकर आपकी आत्मा को जिंदा किया है, ताकि जो उत्पत्ति 1:26 है वो आपके जीवन में पूरा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन अच्छा लगा? बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।